नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये टावर फैन के स्पेयर पार्ट्स के बारे में, जो कई सारे मित्र कमेंट आते हैं कि सर टावर फैन में कौन से पार्ट्स लगते हैं और कैसे खरीदेंगे। तो मैंने सोचा बता दूँ आपको कि टावर फैन में कौन से पार्ट्स लगते हैं और उनका नाम क्या है। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान देखिए बिना स्किप किए, ताकि एक बड़ा मालूम पड़ सके कि ये कौन से पार्ट लगते हैं, इसका नाम क्या है, इसके अलावा कौन सा नंबर बुश कहाँ लगता है, सेफ्टी कहाँ पे उपयोग होता है, ये स्विच है, ये देखो ये बुश पट्टी है, ये ब्लोअर का ये भी बुश पट्टी है, ये पूरा कंप्लीट रहता है इस तरह से, और ये वाला है ये खाली पट्टी है। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को, हम मेरा स्किप किए। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो सामान दिख रहा है ये सभी आइटम आपको मिल जाए मेरे पास, लेकिन इन ये समझ लीजिए आपने ऑर्डर किया इस ब्लोअर का आपने ऑर्डर कर दिया। अगर दोस्तों ब्लोअर का ऑर्डर करेंगे तो ब्लोअर को ऑर्डर करना है आपको, तो सिर्फ आपको ब्लोअर का ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है इसके साथ दूसरा कोई पार्सल पैक करेंगे तो पक्का टूट जाएगा वो। तो इसके लिए अगर आपको ब्लोअर चाहिए एक पीस के बजाय दो पीस चार पीस आपने साथ में लिया तो आपको पड़ जाएगा कि हम चार पीस का पैक बना के भेज देंगे। ऐसा आप सोचेंगे कि हम ब्लोअर की जगह सेफ्टी मंगा लें, ब्लोअर मंगा लें सेफ्टी मंगा लें, तो फिर दो पार्सल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पक्का है जब ट्रांसपोर्ट में जाएगा ये उठा पड़ा हुआ टूट जाएगा ये, और टूटने फूटने कोई गारंटी नहीं आती है। वैसे हम लोग चेक करके पैक करते हैं, इसके बावजूद कितने सारे मित्रों ने मुझसे सामान मंगाया है और दोबारा टूट गया है, तो हमने अलग से दोबारा पार्सल भेज दिया है, उनको पैसा लिया नहीं है, लेकिन इसमें हमारा लॉस होता है। तो इसके बता दो पहले ही कि आपको दोस्तों अगर आपको मंगाना है ब्लोअर तो बिल्कुल इसकी गारंटी नहीं आती है टूटने फूटने की, वैसे हम चेक करके भेजेंगे, ऐसे टूटता फूटता नहीं है। इसकी पैकिंग इतना अच्छी की जाती है, अगर आप केवल ब्लोअर का ऑर्डर करेंगे, समझिए आपने चार पीस का ऑर्डर कर दिया ब्लोअर का, या फिर दो पीस का ऑर्डर कर दिया ब्लोअर का, या फिर एक पीस का ऑर्डर कर दिया ब्लोअर का, तो टूटेगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है, इतना अच्छा पैक किया जाता है। वही आपने एक ब्लोअर का ऑर्डर कर दिया, बाकी सामान भी ऑर्डर कर दिया, तो इसको पैक करने में क्या होगा, फिर एक पार्सल हमने पैक किया टूट जाएगा ये। तो इसके जब भी आपको ऑर्डर करना हो ब्लोअर का तो अलग से ऑर्डर करें। दोस्तों देखिए इसमें ब्लोअर के अंदर देखिए हमारा आपको रबर भी आएगा और ये साफिंग लगा हुआ आएगा और प्लस ब्लोअर आएगा। ये रबर दोस्तों चिपकाते नहीं, इसके लिए कभी कभी क्या होता है किसी मित्र ने मंगाया था, समझिए किसी ने मंगा लिया 20 पीस का ऑर्डर कर दिया मेरे को, और 20 पीस हमने भेज दिया। पहले कैसा था, हम इसमें चिपका के भेजते थे, अभी चिपका के भेज दिया आपने, समझिए कि एक ब्लोअर टूट गया, अब ब्लोअर टूट गया तो रबर ऐसा ही है, एक बार आपने चिपका दिया तो निकलेगा नहीं, अब ब्लोअर गया ब्लोअर ऐसा रबर भी चला गया। इसके अभी क्या करते हम रबर को इस तरह से डाल देते हैं अंदर ही, यानी हमको रबर अलग से देते हैं ताकि आप वहाँ चिपका सकें, कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों हमारा ये हो गया ब्लोअर, दोस्तों यहाँ पर जगह कम है तो इसके नीचे रखता हूँ मैं, क्योंकि सब सामान दिखाना आपको थोड़ा जगह चाहिए, इसे हमने सबसे पहले आपको ये बताया ब्लोअर के बारे में। दोस्तों वैसे टावर फैन के अंदर ब्लोअर लगभग एक साइज का ही आता है, ऐसा नहीं कि ये ब्लोअर बैठेगा नहीं, वैसे 99% सभी टावर फैन में एक साइज का ही ब्लोअर आता है। इस सेफ्टी का जो साइज होता है इसके ब्लोअर का सेफ्टी का, ये भी सेम साइज आता है, और प्लस ये जो सेफ्टिंग है ये वाला, इसमें हाइट छोटा बड़ा होता है भले, लेकिन ये जो बुश का साइज है सेम, ये 034 लगता है इसके अंदर। ये देखिए ये बुश हमारा है, ये 034 ये बुश है, ये हमारा ब्रास में है, उसके अलावा तो कॉपर में है, ये देखिए एमएस का भी है, इसमें लगे आपको 034 बुश लगेगा। तो पहले मैं इसको साइड में रखता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ क्या है। दोस्तों देखिए उसके अलावा हमने पहले ब्लोअर साइड में कर दिया कि बड़ा था इसके लिए। अब दोस्तों देखिए ये हमारा मोटर का बेस है, इसमें क्या होता है कभी कभी हमारा मोटर गर्म हो जाएगा, समझिए ये मोटर है और ये मोटर का बुश खराब है, जब बुश खराब होता है मोटर जाम होता है। दोस्तों कभी क्या होता है हमारा, अगर समझिए कि इस टावर फैन का बुश चला गया, बुश जब जाता है तो हमारा मोटर जाम हो जाता है, जाम होने में क्या होता है ये मोटर गर्म होता है, गर्म होता है तो ये हमारा पूरा पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो इसके हमारा ये बेस चले जाता है। तो आपको बेस चाहिए अलग से तो बेस मिल जाएगा ये। उसके बाद दोस्तों कभी कभी ऊपर का जो हमारा ब्लोअर का ये बुश लगता है इसके अंदर, इसका नाम क्या मुझे पता नहीं है, ये कभी टूट जाता है भाग, तो ये है ये ऊपर का, इसमें यहाँ बुश लगता है। दोस्तों इसमें जो बुश लगता है ये हमारा ये सेफ्टिंग है ब्लोअर का, और ये हमारा बुश लगेगा इसमें 034 बुश लगेगा, ये देखिए ये बुश है 034 बुश। दोस्तों इसमें आपको कोई भी आइटम चाहिए, आपको बेस चाहिए कि ये वाला पार्ट चाहिए, या फिर आपको टावर फैन का मोटर चाहिए,
दोस्तों हमारा 0344 जो है ये हमारा एमएस में है और ये हमारा कॉपर में है। ये 0344 टावर फैन के अंदर केवल 03 छोटा बुश जो है खाली ऊपर लगता है, ये इसके अंदर ही जो कि ब्लोअर को चलाता है, ये छोटा बुश इसमें लगता है। तो दोस्तों जब भी आपको इस जगह पे वाशर लगाना हो तो उसके लिए आपको वाशर ओपन करना चाहिए, ये वाला। ये हम लगाते हैं आर्मेचर के अंदर भी और ये हम लगाते हैं एपी फैन के अंदर भी, ये हम लगाएंगे टावर फैन के अंदर भी, क्योंकि ये जो वाशर है इसमें कैसा है डालने पानी या ऑयल तो इसको सोख लेता है ये, तो इसके लिए हमेशा मेरी आदत है मैं इसको लगाता हूँ इस वाशर को। और लास्ट में एक वाशर लगाता हूँ जो आता है पेपर वाशर, एक वाशर वो लगाता हूँ मैं और बाकी वाला ये वाशर लगाता हूँ कि ऑयल में भीग जाता है ये तो पंखा गर्म होगा तो ऑयल समय से मिलता रहता है ये। तो इसके लिए जब भी आपको वाशर लगाना हो ब्लोअर सॉफ्टिंग में तो ये वाला वाशर लगाना है आपको। और ये पूछ हो गया। और दोस्तों ये देखिए ये हमारा टावर फैन का सॉफ्टिंग है, ये देखिए मेरे पास सॉफ्टिंग इसमें अलग अलग आता है, इसमें साइज छोटे बड़े भी है मेरे पास, आपको ये छोटा मिल जाएगा, मीडियम मिल जाएगा, बड़ा मिल जाएगा। इसमें आपको साइज मैं आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों, देखिए इसमें सॉफ्टिंग का साइज बता दूँ मैं, एक सॉफ्टिंग इसमें है बराबर 5 इंच का है, ये कितना है, हाँ राइट 5 इंच है। और इसके अलावा इसमें आपको उससे लंबा चाहिए तो हमारा है ये 7 इंच, कितना इंच है 7 इंच, और इससे बड़ा चाहिए इससे बड़ा मिल जाए आपको, ये देखिए ये आपको पड़ेगा 8 इंच। इसमें मेरे पास आपको 3 टाइप का सॉफ्टिंग मिल जाएगा ब्लोअर के लिए। दोस्तों ये जो हमारा ब्लोअर सॉफ्टिंग आता है इसमें आपको ये लगता है कूलर के अंदर लग जाता है, कूलर में और ब्लोअर में, इसमें टावर फैन में दोनों में सॉफ्टिंग एक ही आता है। और दोस्तों इसका जो बुश है ये देखिए, ये हमारा बुश जो है ये 198 स्पेशल बुश है ये टावर फैन के लिए। इसमें एक आता है कि आपको थोड़ा घसना भी पड़ता है, लेकिन ये हमारा ये परफेक्ट वाला है, नहीं परफेक्ट वाला नहीं है, ये थोड़ा घसना पड़ेगा, एक बुश इसमें और फिर दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए ये दो बुश है आप देख पा रहे होंगे, बुश ये भी है, ये भी 198 है, ये भी 198 है, लेकिन ये जो स्पेशल है ये टावर फैन के लिए है, ये 198 जो है ये आपको लगाना पड़ता है उसमें कूलर में, या फिर कभी कभी आपका सॉफ्टिंग घिस जाएगा, समझिए कि सॉफ्टिंग हल्का घिसा हुआ पीछे घिस गया है, अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ये भी 198 है, ये भी 198 है। देखिए मैं इसको लगा रहा हूँ, ये इसमें बराबर घुस जाएगा दोस्तों, इसमें सॉफ्टिंग एकदम कट टू कट रहता है, तो आपको जबरदस्ती नहीं करना है, पहले फर्स्ट टाइम में एकदम प्याज डालना है, ये देखिए ये घुस गया ये, और एक दोबारा आप डालेंगे तो अपने आप फ्री हो जाएगा ये, ये देखिए परफेक्ट है ये। और इसमें डालना होगा तो बिल्कुल घुसेगा नहीं आपको बिना सॉफ्टिंग घिसे, ये घिसे घुसेगा नहीं, तो इसके जब भी आपको डालना हो तो जबरदस्ती नहीं घुसाना है, जबरदस्ती घुसाएंगे तो आपको बुश खराब हो जाएगा, इसमें निशान आ जाएगा, जब भी आपको डालना हो तो जाए टाइट चलेगा लेकिन प्यार से घुसना चाहिए अंदर, ऐसा नहीं कि आप बस दबा के घुमा रहे हैं, दबा घुमाएं तो बुश खराब हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इससे दो टाइप बुश आपको मिलेगा 198 में, ये बुश दोस्तों 10 रुपये का ही है, और ये बुश हमारा है ये 15 रुपये का है दोस्तों। आपको जो टावर फैन के सॉफ्टिंग के अंदर आपको डालना है वाइसर दोस्तों, उसके लिए वाइसर ये है हमारे सॉफ्टिंग सेम साइज का है ये वाइसर। और उसके बाद दोस्तों हमारे सॉफ्टिंग का जो कभी कभी क्या होता है पंखा गर्म होता है तो हमारा ये पिघल जाता है, ये सॉफ्टिंग का स्लीव है, तो आपको सॉफ्टिंग का स्लीव चाहिए और ये भी मिल जाएगा, ये देखिए इसमें डालते हैं ये सॉफ्ट स्लीव, ये टावर फैन सॉफ्ट स्लीव है। और फिर दोस्तों ये देखिए कभी आपका टावर फैन का इसमें सॉफ्टिंग घिस जाता है ये ब्रॉड सॉफ्ट, तो आपको इसको कुछ करना डायरेक्ट बदल देना है, ये आपको ये टावर फैन का ये सॉफ्ट चेंज हो जाएगा, इससे इसमें 4 स्क्रू आता है, इसको खोलेंगे निकल जाता है ये, तो इसको बदल सकते हैं। हाँ उसके अलावा दोस्तों ये देखिए ये हमारा बुश पट्टी है, कभी कभी क्या होता है हमारा बुश पट्टी टूट गया नहीं मिलता है, तो आपको ये देखिए ये बुश पट्टी और ये स्प्रिंग ये भी आपको साथ मिल जाएगा, मिल जाएगा आप पूछिए तो स्प्रिंग भी बुश पट्टी भी दोनों मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये देखिए आप कभी टावर फैन का बुश लगाएंगे तो ये देखिए हमारा रिपीट लगा पहले यहाँ पे लगा रिपीट, और जब निकालेंगे इसको तो हम रिपीट नहीं लगाएंगे, हम उसकी जगह आते हैं स्क्रू लगाते हैं, ये तो हमारा ये बुश स्क्रू है, ये देखिए ये छोटा छोटा वाला है, इसमें लंबा भी आता है, जो लंबा आएगा वो लगता है मिक्सर के लिए, जो छोटा आता है वो लगाते हैं हम टेबल फैन टावर फैन कूलर इन सब जगह उपयोग करते हैं, ये हमारा बुश स्क्रू है।
हाँ उसके अलावा दोस्तों ये देखिए, ये हमारा टेबल फैन का और टेबल फैन, उसके अलावा टावर फैन या कूलर में हम लगाते हैं, ये हमारा नमदा है, तो ये नमदा आपको मिल जाएगा। हाँ उसके अलावा दोस्तों ये देखिए, ये टावर फैन का आपको स्विच है, ये नॉब बोलते हैं उसको, नॉब, ये नॉब है हमारा। इसमें दोस्तों नॉब तो आपको दो टाइप मिलेगा, एक छोटा भी आता है किसी किसी में, किसी में बड़ा भी आता है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो आपको जैसा चाहिए मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये बूस्ट पट्टी, किसी किसी बूस्ट पट्टी जो होता है, ये वाला बूस्ट पट्टी, इसमें ऐसा है किसी किसी में कैसा होता है, ऐसा होता है ये, यानी कि टाइट यहाँ से होता है, ज़्यादा इसे खोल रहता है घुस जाएगा ऐसा। तो अगर आप ये वाला चाहिए आपको, ये मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये देखिए हमारा कैपेसिटर, ये दोस्तों हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि कैपेसिटर अच्छे से वापरा जाए, तो मैं बोलता हूँ इप्कोस कंपनी का दोस्तों एकदम जबरदस्त कैपेसिटर है, एक बार आप लेंगे और लगाएंगे तो याद रखेंगे इतना अच्छा कैपेसिटर है। तो आपको कैपेसिटर चाहिए दोस्तों, इसमें जो लगता है कैपेसिटर, ये लगे आपको 4 MFT का, 4 MFT देखिए। उसके अलावा दोस्तों ये देखिए, ये हमारा स्विच है दोस्तों, इसमें स्विच दो टाइप का आता है, एक आता है सिंगल स्पीड के लिए यानी कि स्विंग मोटर के लिए, एक आता है अपने मोटर के लिए, तो इससे आपको दो टाइप स्विच मिल जाएगा। ये हमारा टावर फैन का स्विच है और ये हमारा नॉब है दोस्तों, केवल इतना ही आइटम लगता है इसके अंदर टावर फैन में। आप इतना आइटम खरीद लेंगे, थोड़ा थोड़ा मंगा लेते क्या होगा, आपको सारा चीज मिल जाएगा और अब रिपेयरिंग में आपको कोई समस्या होगी नहीं, आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दोबारा नहीं है, आप परेशानी होने कोई टेंशन नहीं है। हाँ दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों ये सब आइटम खरीदना आपको तो मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स, आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखता रहेगा, जो हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा आपको पिंक कलर में, आपको सेम स्पेयरिंग आपको सेंड करना है उस पर गूगल पे या फिर क्रोम पे, वहाँ डालेंगे और सर्च करेंगे तो खुल जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको सबसे ऊपर दिखा देगा, ये मेरे वेबसाइट का लिंक है, उसको क्लिक करते ही वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप सामान खरीद सकते हैं घर बैठे बिल्कुल भी, आप ऑर्डर करेंगे माल भेज देंगे। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।